दो नहीं सर, दूसरा बीकर दिख रहा है क्या उसके अंदर? नहीं, खेल है देखना है ये अपवर्तनांक है। जैसे अपन वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003, ठीक है। और जो अपन इसका पानी का अपवर्तनांक देखें तो कितना होता है? 1.3, ठीक है। और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। ऐसे देखना है, जब पानी का इनमें देखना अंतर, एक कांच का होता है 1.5, ठीक है। अब अपवर्तनांक के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जितना अपवर्तनांक इस कांच का है उतना ही अपवर्तनांक काय का है? ये ग्लिसरीन। इसमें क्या डाली अपन ने? ग्लिसरीन। क्योंकि ग्लिसरीन पानी से क्या होती है? थोड़ी अधिक गाढ़ी होती है, या उसका घनत्व तो थोड़ा सा अधिक होता है। अपन ने क्या किया है, इसमें ग्लिसरीन भर दी। ग्लिसरीन भरने के पश्चात अपन ने इसमें ये दूसरा बीकर डाल दिया। इसमें जैसे ही देखना है, ये दोनों का अपवर्तनांक क्या हो गया? अब देखना, बराबर हो गया। जितना ही अपवर्तनांक कांच का होता है उतना ही का ग्लिसरीन का, जिसकी वजह से जो अंदर वाला जो अपने पास ये है बीकर है वो इसमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। किसकी वजह से? इस अपवर्तनांक की वजह से वो दिखाई नहीं देगा। तो अपन बाहर से देखेंगे, ठीक है। ये फिजिक्स का है और ये पहले दो केमिस्ट्री का। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएगा, आग पकड़ेगा, पता है ऑक्सीजन जलने में सहायक है, ठीक है ना। कुल मिला ही अंधविश्वास को भगाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य। कोई जादू वादू नहीं होता है, विज्ञान है। वो थोड़ा मोड़ा इधर उधर से सीख के और यहाँ वहाँ खड़े होकर के जादू दिखाते हैं कि देखो ये ऐसा होता है, जी ऐसा होता, कहीं कुछ नहीं है, सब विज्ञान है। इसलिए विज्ञान को अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। देखो कितनी तेजी से आग पकड़ी उसने, क्योंकि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं कि बहुत ही अग्निशील होते हैं। चटकने दो, चारी फिर क्या काका।